अष्ट सिद्धि के दाता भगवान श्री गणपति पधार रहे हैं आपके द्वार आगामी गणेश चतुर्थी पर, लेकर अपने साथ सुख समृद्धि शांति यश ऐश्वर्य वैभव और वृद्धि सिद्धि। तो स्वागत करें देवाधिदेव श्री गणपति का अष्ट सिद्धि गणपति साधना द्वारा। करें साधना और मनाएं हमारे साथ गणेश महोत्सव 17 सितंबर से 27 सितंबर तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-519-0000, 9829026625, 9314728165। मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे नवीन दर्शकों, आज हम बात करेंगे रक्षा बंधन की। यह पर्व भाई बहन के पवित्र स्नेह विश्वास और रक्षा का प्रतीक है। 29 अगस्त श्रावण सुदी पूर्णिमा शनिवार के दिन रक्षा बंधन का पर्व आ रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी आरती उतारते हुए उनके दीर्घ जीवन की कामना करती है। वहीं भाई भी अपनी बहन को यह वचन देता है कि वे हर पल हर घड़ी हर समय जीवन के हर मोड़ पर उसकी सहायता के लिए तैयार और तत्पर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको रक्षाबंधन का मुहूर्त बता देता हूं। प्रातः काल सूर्य उदय से दोपहर 1:50 तक भद्रा रहेगी, जिसमें राखी बांधना निषेध है। याद रखिएगा, राखी नहीं बांधनी इस वक्त तक। दोपहर 2:16 से 3:50 तक, साथ ही शाम को 6:58 से 8:28 तक लाभ का चौघड़िया रहेगा। वह दोपहर 3:50 से 5:24 तक अमृत का चौघड़िया रहेगा। इन मुहूर्त में रक्षाबंधन पर्व आप पूर्ण कर सकते हैं। इस पर्व के प्रारंभिक इतिहास से जुड़े कुछ प्रसंग हैं। यानी अगर हिस्ट्री में हम जाएं तो इसके बहुत सारे ऐसे वर्णन आते हैं जिनकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। ऐसे विशेष प्रसंगों में कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहला है पौराणिक मान्यता के अनुसार, यानी पुरानी कहावतों के अनुसार, यह पर्व देवासुर संग्राम से जुड़ा है। जब देवता और दानव यानी राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था और दानव यानी राक्षस विजय की ओर आगे बढ़ रहे थे, यह देखकर राजा इंद्र बेहद चिंतित हो गए थे और दिन रात उन्हें परेशान देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी महर्षि बृहस्पति की शरण में गई और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्होंने एक मंत्र सिद्ध धागा दिया। इस धागे को इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर बांध दिया और उन्होंने संग्राम में यानी युद्ध में विजय प्राप्त की। तब से इस धागे को रक्षा सूत्र का नाम दिया गया और बाद में यह रक्षा सूत्र रक्षाबंधन का पर्व बन गया। दूसरा, रक्षाबंधन की पावनता से यमलोक भी अछूता नहीं है। इस दिन मृत्यु के देवता, ध्यान रखिएगा, मृत्यु के देवता कौन है? यमराज को उनकी बहन यमुना ने राखी बांधकर अमर होने का वरदान प्राप्त किया। यमराज ने इस पावन दिन के महत्व को अक्षुण्य रखते हुए घोषणा की कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से राखी बंधवाएगा, उसकी रक्षा का वचन देगा, उसके प्रति अपने धर्म की पालना करेगा, वह व्यक्ति अमर रहेगा। जब चित्तौड़ की विधवा, तीसरा उदाहरण क्या है, चित्तौड़ सभी लोग जानते हैं जो उदयपुर राजस्थान में उसके पास में है, चित्तौड़ की विधवा रानी कर्मावती को जब अपने राज्य पर संकट के बादल मंडराते दिखे तो उन्होंने गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेज मदद की गुहार लगाई और उस धागे का मान रखते हुए हुमायूं ने तुरंत अपनी सेना चित्तौड़ रवाना कर दी। इस धागे की मूल भावना को मुगल सम्राट ने न केवल समझा बल्कि उसका मान भी रखा, ये सभी लोग जानते हैं इतिहास में। अगला उदाहरण क्या है, महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख आता है। जब शिशुपाल का वध करते समय
भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी जो अंगुली है उसमें चोट आ गई तो द्रौपदी ने उनका लहू रोकने के लिए अपनी साड़ी का चीर उनकी अंगुली पर बांध दिया, साड़ी को काट के उसको बांध दिया। वह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। फिर श्री कृष्ण ने चीर हरण, आप सभी को पता है कि द्रौपदी का चीर हरण का जो काल था, जो वक्त था, उसमें उस समय श्री कृष्ण प्रकट होकर उनकी लाज बचाकर यह कर्ज वापस चुकाया। अगला उदाहरण क्या है कि जब राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार का प्रयत्न किया तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि तब विष्णु जी वामन ब्राह्मण अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। उस समय अपने गुरु को मना करने अपने गुरु के मना करने पर भी बलि ने उनको 3 पग भूमि दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। तब राजा बलि ने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु जी से अपने सामने रहने का वचन ले लिया और लक्ष्मी जी इससे चिंतित हो गई। फिर नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी बलि के पास चली गई और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। बदले में विष्णु जी को अपने साथ ले आई। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। अगला उदाहरण, सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पूर्ववास को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन भी लिया। पूर्ववास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी और बहन को दिए गए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दे दिया था। ऐसा एक उदाहरण और भी है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने तो रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन के त्योहार को स्वतंत्रता के धागे में पिरो दिया था। उनका कहना था कि राखी केवल भाई बहन का त्योहार नहीं बल्कि यह इंसानियत का पर्व, भाईचारे का पर्व है, जहां जाति और धर्म का भेदभाव भूलकर हर कोई एक दूसरे की रक्षा की कामना का वचन देता है और रक्षा सूत्र में बंध जाता है। जहां भारत माता के पुत्र आपसी भेदभाव भूलकर भारत माता की स्वतंत्रता और देश के विकास का मिलजुल कर प्रयास करते हैं। आज जब हम रक्षाबंधन पर्व को एक नए रूप में बनाने की बात करते हैं तो हमें परिवार, समाज और देश से भी परे आज जिसे बचाने की जरूरत है तो वह सृष्टि है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हम सभी को एकजुट होकर यह संकल्प लेना है कि इस दिन एक स्नेह की डोर एक वृक्ष को बांधें और उस वृक्ष की रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, जो प्रकृति आदिकाल से हमें निस्वार्थ भाव से केवल देती ही आ रही है, उसकी रक्षा के लिए हमें इस दिन कुछ करना चाहिए। इस धरा को बचाने के लिए रक्षाबंधन के दिन वृक्षों की यानी पेड़ पौधों की रक्षा का संकल्प लेना बेहद जरूरी है। आइए हम सब मिलकर राखी का धागा बांधकर प्रकृति की रक्षा का एक वचन लेंगे। आज जब हम बुजुर्ग माता पिता को सहारा ढूंढते हुए वृद्धाश्रम जाते हुए देखते हैं तो अपने विकास और उन्नति पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ पाते हैं। इस समस्या का समाधान रक्षाबंधन पर माता पिता को रक्षा सूत्र बांधना, उनके पुत्र पुत्री के द्वारा माता पिता की जीवन भर हर प्रकार के दायित्व की जिम्मेदारी लेना हो सकता है। इस प्रकार समाज की इस मुख्य समस्या का समाधान किया जा सकता है। रक्षाबंधन को भाई बहनों का पर्व न मानकर हमें सभी को अपने विचारों के दायरे को विस्तृत करते हुए विभिन्न संदर्भों में इसका महत्व समझना जरूरी है। रक्षा के नजरिए से देखें तो रक्षाबंधन का यह त्योहार देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा तथा लोगों के हितों की रक्षा के लिए मनाए जाने वाला महान पर्व है। भारत जैसे विशाल देश में बहनें सीमा पर तैनात सैनिकों को रक्षा सूत्र भेजती है और उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनकी लंबी आयु और सफलता की कामना करती है। कारगिल युद्ध के समय देश भर से कई महिलाओं ने मोर्चे पर तैनात सैनिकों की मंगल कामना के लिए राखियां भेजी और शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की, जो सफल भी हुई। आप भी
इस त्योहार को प्यार के साथ मनाएं तथा इस दिन अपनी बहन को उसकी खुशियां उपहार स्वरूप दें। याद रखें, यह रिश्ता जितना मजबूत और प्यार भरा रिश्ता है उतना ही कमजोर भी है, इसलिए रिश्ते की इस डोर को सदैव मजबूती से थामे रखें। ऐसा नहीं हो कि हम परिवार में ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें, भाई बहन एक दूसरे से बात भी ना करें, और झगड़ा क्या, किस बात का झगड़ा है, कुछ लेकर नहीं आए थे और ना ही आप कुछ लेकर जाएंगे। कुछ भूलने की आदत डालिए, आप इस प्रकार का कुछ कर्म करिए कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम सभी अपने जीवन में छोटी बड़ी किसी न किसी प्रकार के समस्याओं से जरूर जुड़े हुए हैं। वो समस्याएं हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध या पिछले जन्म के कर्म के आधार पर हो सकती है, या फिर हमारी जन्म कुंडली में चल रही विपरीत दशा या जन्म कुंडली के दुर्योगों के आधार पर। तो आप और मैं पर्सनली मिलकर आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर समस्या क्या है और क्या समाधान हो सकता है। इसी कड़ी में मैं आ रहा हूं आप सभी से मिलने के लिए। तो और 24 व 25 अगस्त को पूना, 26 अगस्त को गोवा, इसके लिए आपको हमारे जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा 02915190000। दूसरा नंबर है 9314728165। तो आप सभी से पर्सनली मैं मिलना चाहता हूं, और पधारिए और आप और हम मिलकर समस्या का समाधान खोजते हैं। सुख समृद्धि ऐश्वर्य चले आए आपकी द्वार। हर व्यक्ति के मन में सदैव यही इच्छा रहती है कि जैसे भी हो उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, उसके व्यवसायिक स्थल अथवा घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। यदि आपके परिवार पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो, आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा एवं तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में उन्नति न हो पा रही हो, आय की अपेक्षा व्यय अधिक बना रहता हो, रोग ने घर में पैर पसार लिए हो, कुल मिलाकर घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हानि, परेशानी व चिंताएं बनी रहना, इन सभी समस्याओं का निराकरण है संपूर्ण सुख समृद्धि किट। यदि आप भी अपने घर एवं व्यवसायिक स्थल में स्थायी सुख संपत्ति, ऐश्वर्य व समृद्धि प्राप्त कर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही अपने घर में स्थापित करें प्राण प्रतिष्ठा युक्त अभिमंत्रित संपूर्ण सुख समृद्धि किट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000, 9829026625, 9314728165। तो रक्षा बंधन, ये बंधन कई बार लोग कहते हैं कि ये कोई बंधन है, मतलब ये जरूरी है हर बार करना, ये जरूरी नहीं है। ये परम आवश्यकता से भी बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही ये संस्कृति है कि भाई बहन की रक्षा जरूर करता है, तो करना भी चाहिए। और अगर आप किसी भी प्रकार का आपके भाई बहन में, आपके रिश्ते में किसी भाई बहन के, आपके किसी मित्र सगे संबंधियों में किसी भाई बहन में नहीं बनती है या परिवार में वैर विरोध है, तो यह भी एक संकल्प लेना चाहिए कि हम उन दोनों को भी एकजुट करेंगे, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को हम दूर करेंगे। ये प्रयास भी अगर आप करते हैं तो यह बहुत पुण्य का काम होगा। एक ऐसा ही वाकया मुझे याद आ रहा है, अभी तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मैं नेपाल में था और वहां पर बॉर्डर पार से, गोरखपुर के पास से, एक बच्चा और एक बच्ची अपनी बुआ के साथ मुझसे मिलने के लिए आते हैं। अब हुआ क्या था, ये दोनों बच्चे देहरादून में पढ़ते थे और साथ में इन दोनों के माता पिता जो रहते थे उनमें कुछ अलगाव भरी स्थिति हो गई, वैर विरोध हो गया, ईगो की समस्या हो गई और पति पत्नी दोनों अलग हो गए। जब छुट्टियां आई तो बच्चे अपने घर पर आए तो उन्होंने अपनी मां को देखा और कहा कि पिताजी कहाँ हैं। तो कुछ दिनों तक तो छुट्टियों में माँ कहती रही कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। फिर उसने कहा कि मुझे अपने पापा से बात करनी है। तो धीरे 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 एक बार माँ ने बताया कि बच्चे, मेरे तुम्हारे जो पिता हैं और मेरे पति हैं वो और हमारी आपस में नहीं बनती, इसलिए हम अलग हो चुके हैं। बच्चे बहुत रोए, परेशान हुए। जब परेशान हुए तो उनको बचपन के अपने पिता के साथ गुजारे वक्त की याद आई कि कैसे अपने पिता स्कूल छोड़ने जाया करते थे, कैसे उनके साथ अटखेलियां खेलते थे, किस प्रकार से वो अपने बच्चों के साथ
तालमेल बिठाकर अपने जीवन को मधुरता से जी रहे थे और कैसे पिता ने एक सपना देखा था कि मैं अपने बच्चों को देहरादून में पढ़ने भेजूंगा और मेरे बच्चे मेरे से भी ज्यादा मेहनत करके अच्छा जीवन जो है भोग सकते हैं। बच्चों ने बहुत जिद की कि हमें अपने पिता से मिलना है, लेकिन माँ ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता वो कहां पर है। खैर कुछ दिन बीते, उन्होंने अपने बुआ को कहा कि मैं श्रीमाली जी से मिलना चाहता हूं। बड़े छोटे बच्चे 10 और 8 साल के समझ लीजिए आप, उसके आसपास बच्चे रहे होंगे और वो दोनों बच्चे अपनी बुआ के साथ मुझसे काठमांडू मिलने आते हैं। अब सोचिए कि ये छोटे बच्चे सिर्फ एक ही प्रश्न करते हैं, उनको नहीं पता है कि उन्हें मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना था, जन्मपत्री दिखानी है, कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने बाहर हमारे आयोजक को बोला कि जी दो बच्चे आए हैं और वो कहते हैं मैं श्रीमाली जी से सिर्फ 5 मिनट मिलना है। ऐसी बात होती है। उस दिन के समय रक्षाबंधन त्योहार नजदीक था, तो मैंने कहा कि तुम दोनों बच्चे अपनी मां को एक रक्षा सूत्र बांधो कि आज से हम भूख हड़ताल करने वाले हैं और ये रक्षा सूत्र बांध आपको हम इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि आप हमारी सुरक्षा करें और हमारी सुरक्षा परिवार के साथ मिलकर ही हो सकती है। मां को एक दिन के अंदर ही तरस आता है और मां कहती है कि चलिए हम सब मिलकर तीनों मिलकर तुम्हारे पिता के पास जाते हैं और माफी मांगते हैं, क्योंकि मां भी पिघल गई। मां अपने बच्चों का दुख दर्द कभी नहीं देख सकती है। कई बार मैं ये कहता हूं कि हम उपवास करते हैं तो उपवास ये डर में मत करिए कि देवी मां खुश होगी आपके भूखे रहने से। कोई मां अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती है, पर वो उपवास का तरीका अलग है। तो यहां पर रक्षाबंधन के दिन ही जाकर मिलते अपने पिता से और जाकर माफी मांगती है और दोनों धीरे धीरे एक हो जाते हैं। यानी वो भाई बहनों ने अपनी मां को रक्षा सूत्र बांधा, हालांकि करने वाला ऊपर वाला था लेकिन मैं माध्यम बन गया और आज वो परिवार बहुत सुखी है। कहने का अर्थ क्या है कि छोटा सा रक्षा सूत्र, 2 रुपए का रक्षा सूत्र, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है, जैसे हमारे जवानों ने किया, जैसे आज भाई बहन मिलकर कर रहे हैं। तो हमें संकल्प क्या लेना है कि अगर आपके परिवार में किसी भी प्रकार का मन मुटाव है, कोई भी तनाव है, तो उसे भूलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ना कुछ साथ लेकर आए थे और ना ही साथ कुछ लेकर जाने वाले हैं, सब कुछ यही रह रहा है। और अगर आप किसी से दुश्मनी बांधते हैं, अगर बैर विरोध पालते हैं, तो आप अगले जन्म में पैदा होने के लिए कारण शरीर भी साथ में बनाते हैं। मैं, ये मेरा शरीर है, मेरे पास आत्मा है, मन है, संचित कर्म है, पुरुषार्थ है, प्रारब्ध है, उसके साथ साथ मेरे शरीर में एक कारण शरीर भी दौड़ रहा है कि मेरा जन्म किस कारण हुआ है, मेरा इस जन्म में क्या काम है। उसी प्रकार आप जितना वैर विरोध पालोगे अपने ही लोगों से, वही आपके अगले जन्म में दुश्मन बनकर पैदा होंगे। इसलिए एक तो वृक्ष लगाना है और उसकी रक्षा करनी है ताकि हम प्रकृति को बचा सकें, दूसरा परिवार को बचा सकें, आस पड़ोस में कहीं कोई समस्या हो तो कोशिश तो करिए, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो आज रक्षाबंधन के इस विशेष पर्व पर मैं आपको एक अचूक और छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे संपन्न करके भाई बहन के रिश्ते में और अधिक मधुरता, अपनापन व प्यार की भावना उत्पन्न होकर सभी प्रकार की सुख समृद्धि एवं संपन्नता आएगी। रक्षाबंधन के इस विशेष पर्व पर मैं आपको एक अचूक और छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे संपन्न करके भाई बहन के रिश्ते में और अधिक मधुरता, अपनापन व प्यार की भावना उत्पन्न होकर सभी प्रकार के सुख समृद्धि और संपन्नता आ जाएगी। या फिर इस उपाय को रक्षाबंधन के दिन भाई व बहन सायंकाल 5 बजे से 7 बजे के मध्य संपन्न कर सकते हैं। जब बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधे उसके बाद संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए वे पूजा स्थान के सामने एक बाजोट स्थापित कर लें। बाजोट का अर्थ क्या है कि एक लकड़ी का पट्टा जो कि जमीन पर आप बैठते आसन लगाकर तो भगवान आपसे ऊपर होने चाहिए, इसलिए बाजोट की स्थापना की जाती है। उस पर लाल रेशमी वस्त्र आपको बिछाना है। वस्त्र यानी कपड़ा, 1.25 किलो जौ, 300 ग्राम चने की दाल, 21 पताशे सफेद कलर के आते हैं जो कि आपने कई बार देखा होगा कि मंदिर में जब प्रसाद बढ़ता है तो पताशे जरूर बढ़ते हैं, तो वो आपको उपयोग में लेने। 21 हरी इलायची, 125 ग्राम किशमिश,
125 ग्राम मिश्री, 11 लौंग, 5 कपूर, कपूर जो आरती में उपयोग में आता है, 51 रुपए। अब आप इंग्लैंड में ये कार्यक्रम देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, तो अपने अपने हिसाब से जितनी आपकी श्रद्धा है उतने आप रुपए चढ़ा सकते हैं। एवं संभव हो सके तो चांदी का सिक्का सभी चीजों के साथ रख दें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, उस समय आप अपने गुरु को याद करें, अपने इष्ट देवता को याद करें, आप जिनको मानते हैं उनको याद करें, और प्रार्थना करें कि हमारे रिश्ते में यदि किसी प्रकार की बुरी नजर लगी हो तो वो समाप्त हो जाए, वह हम भाई बहन में मधुरता व प्रेम की भावना सदैव बनी रहे। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात लाल वस्त्र को लपेटकर पोटली बना दीजिए और उस पोटली को भाई बहन पर से, दोनों के ऊपर से 11 बार उबार कर उसकी लंबी आयु की प्रार्थना करें और फिर नजदीक के शिव मंदिर में रखाएं या किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। यदि भाई व बहन एक शहर में नहीं रहते हैं, उनके बीच में मनमुटाव है या दोनों ही दूर रहते हैं, तो यह मां भी उनके लिए कर सकती है और उसमें यही संकल्प लें कि भाई बहन की तस्वीर के ऊपर से भी आप इसे उबार सकते हैं। 11 बार उबार कर भी यह प्रयोग संपन्न किया जा सकता है। अगर सच्ची श्रद्धा है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस श्रद्धा हो, लगन हो, वैसे कर्म हो। मैं कई बार कहता भी हूं कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं और वैसे ही कर्म करते हैं ईमानदारी के साथ, तो वो चीज आपको जरूर मिल सकती है। तो मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे नवीन दर्शकों, रक्षाबंधन का पर्व आपकी रक्षा करने के लिए मैं भी संकल्प लेता हूं कि हम आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, चाहे वो जन्म कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हो या आध्यात्मिक प्रयोग के माध्यम से हो। आप उससे जब पर्सनली मिलते हैं तब मैं समझाता हूं, जब आप उससे टेलीविजन पर जानकारी प्राप्त करते हैं तब भी हम आपको बताते हैं। किसी भी प्रकार से हम आपकी रक्षा कर सकते हैं, तो आप अपने भाई बहनों की रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें इस सृष्टि को बचाने के लिए। एक पौधा जरूर लगाइए, उसे भी हर रक्षाबंधन के दिन उसे रक्षा सूत्र बांधिए। आपको याद रहेगा कि कितने साल हो गए इस वृक्ष को जो कि सृष्टि को बचाने का काम कर रहा है। एक रक्षा करिए अपने परिवार की, अपने मित्र के परिवार की, अपने सगे संबंधी कोई भी है उनके परिवार की सुरक्षा के लिए भी हम संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद उसे पूरा करिए और देखिए आपको कितना आनंद आता है जब हम दूसरों को खुशी देते हैं। तो उस खुशी में जब हमें वो खुशी मिलती है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसका आनंद कितना हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी सभी माताओं और बहनों को इस रक्षाबंधन के शुभ त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे भी आप सबकी राखी का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अष्ट सिद्धि के दाता भगवान श्री गणपति पधार रहे हैं आपके द्वार आगामी गणेश चतुर्थी पर, लेकर अपने साथ सुख समृद्धि, शांति, यश, ऐश्वर्य, वैभव और वृद्धि सिद्धि। तो स्वागत करें देवाधिदेव श्री गणपति का अष्ट सिद्धि गणपति साधना द्वारा। करें साधना और मनाएं हमारे साथ गणेश महोत्सव 17 सितंबर से 27 सितंबर तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-519-0000, 9829026625, 9314728165।